बोलते हैं हमारी साख परफेक्ट बनी है, देखिए साख कितने पर इस पर टिका हुआ है, ये हमारी साख जो है परफेक्ट बनी है। ऐसे साग होती तो ज्यादा अच्छी बनती है। और रोटी से खाने में या पानी का साग बनाने जा रहे हैं, तो ये देखिए हमने एक किलो हमारा सरसों, आधा किलो, और यह आधा किलो हमारा पालक है, उसको हमने धो लिया है, बारीक काट लिया है, अच्छे से हमें वॉश कर लेना है। तो ये हमारे दो चीज हो गए हैं। और इसकी मसाले की तैयारी हमने की, देखिए लहसुन है, खूब सारा अदरक है और हरी मिर्ची, जितना आप तीखा खाना चाहे उतना आप कर सकते। मैं इसको बारीक मिक्सर में थोड़ा कर लेती हूँ, कूट लेती हूँ अच्छे से। अगर आप अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं एक साथ तीनों को ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके साथ मैंने एक टमाटर लिया हुआ है, दो मीडियम साइज का प्याज है मेरे पास, और ये हमारे पास है 1.5 चम्मच हमारे मक्के का आटा है। इसको हम कैसे करेंगे वो आपको बता। ये हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, हमने उसको अच्छे से मतलब कूट लिया है, मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, तो उसको साइड में रखते हैं अभी। एक गिलास हमने पानी डाल दिया, पानी हमारा बॉयल हो रहा है, इसमें हम हमारी हरी सब्जियां जो है वो डाल देते हैं, और ठंडी के दिनों में खाने चाहिए साग हमारे बना रहे। डालने के बाद 1 चम्मच हम भर के अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल दे रहे हैं जो हमने कूटा था, और बाद के लिए थोड़ा सा रख ले रहे हैं, बाद में बताएंगे कैसे उसको आ करना है। और इधर में हमारा सारा पालक और सरसों जो भी हमने डाला सारा चीज वो सब वो हो जाएगा। देखिए हमारे सारे साग हो गए हैं, तो थोड़ा नमक डाल देते हैं, इससे हमारा बहुत अच्छे से जल्दी मिल जाए सारी चीजें। और इसको हमें ढकना है तो पूरा नहीं ढकना है, जैसे हमारे इस पालक जो हमने डाला है सरसों साग वो हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे, तो अच्छे से ऊपर नीचे चला लेना है इसको। हमारा अदरक लहसुन हरी मिर्च और नमक डाले हैं वो सब हमारा मिल जाना चाहिए इसमें, आराम से हमें चलाना है। इसको मीडियम आंच पे हमें करना है, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, हमने मीडियम आंच पे ही आधा हमने ढका था, पूरा नहीं ढका था, पूरा नहीं ढकना है, नहीं तो हमारी जो हमारी साग देखिए हो गई है। घोल बना रहे हैं, अगर आपके पास मक्के का आटा ना हो तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। इसका हमें अच्छे से पेस्ट बना लेना है लिक्विड फॉर्म में। ये अभी हो गया है, अब हम उसमें डालेंगे, हमें पूरा नहीं डालना है, आधा पहले आधा थोड़ा 2 चम्मच के करीब डालेंगे, आधा डालेंगे फिर इसके बाद उसको चला लेंगे, हमें डालना है एक साथ नहीं डालना है। ये 2 चम्मच के करीब डाल देते हैं, ये रुक जाएंगे, इससे हमारी साग खराब भी नहीं होगी, और हमारे जो इसमें जो हमने बेसन या जो मक्के का आटा जो भी आपके पास हो वो आपका इसमें गुठली नहीं बनेगा। अभी डाल दिया है और डाल के हमने चला लिया है, अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, मीडियम आंच पे हमें पकाना है अभी जो भी काम करना है हमें। सरसों के साग के लिए हम तड़का लगा तैयार कर रहे हैं, देसी घी हमने लिया हुआ, आप चाहे बटर भी ले सकते हैं मगर देसी घी में ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अंदर प्याज डाल दे रहे हैं, इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची जो बची थी हमारा जो बचा वो हम डाल दिया है, और इसके अंदर लाल मिर्ची भी हमने डाल दिया है, तड़के के लिए इसका बीज उन्हें निकाला है, ये डाल दे रहे हैं। डालने के बाद इसको चला लेना है अच्छे से। हमने टमाटर जब डाला था तड़के में थोड़ा सा नमक डाल दिया था, टमाटर हमारे हल्का सॉफ्ट होना जरूरी है, इसके लिए हमने नमक हल्का डाला था, क्योंकि हमने साग में भी पहले नमक डाला था, तो आप नमक हिसाब से ही डालिएगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, एक बार जरूर ऐसा साग बना के देखिएगा, और आप चाहे तो इसके ऊपर बटर भी डाल सकते हैं और अच्छे से खाने के लिए, मतलब साग तो हमें खाना ही चाहिए। पहचानने की ट्रिक है, अगर हमारे साग एकदम घोटने में कितने गिरे ना तो उसे बोलते हैं हमारी साग परफेक्ट बनी है, देखिए साग कितने बार इस पर टिका हुआ है, ये हमारी साग जो है परफेक्ट बनी है। ऐसी साग होती तो ज्यादा अच्छी बनती है, और रोटी से खाने में या पराठे या आप ज्वार के रोटी या चावल की रोटी जिसके साथ आप खाना चाहें उसको खा सकते हैं, और हमारा ये साग बनके तैयार हो गया है।
रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।